एक सवाल सबके मन में उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए ऐसा फंड क्यों मांग रही है, लोगों से ऐसे पैसे क्यों मांग रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में 18 दिसंबर के दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डोनेट फॉर देश एक क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत की है, इसको लॉन्च किया है। यह अभियान की शुरुआत यहां से होने जा रही है जहां पर देश भर में कांग्रेस पार्टी लोगों से क्राउड फंडिंग करेगी। क्राउड फंडिंग यानी कि लोगों से, जनता से, भीड़ से पैसा मांगा जाएगा, फंड मांगा जाएगा। और फंड के लिए भी पार्टी ने कहा है कि 138 रुपए दीजिए या तो 1380 रुपए, लेकिन आंकड़ा 138 के आसपास ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्या कारण है इसके पीछे, क्यों कांग्रेस पार्टी लोगों से 138 रुपए मांगने पर तुली हुई है? क्या एक देश की सबसे पुराने राजनीतिक दल को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि लोगों से 138 रुपए मांगने पड़ रहे हैं? इस मामले की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं राजस्थान चौक। दरअसल कांग्रेस पार्टी को जल्द ही 138 साल उसकी स्थापना के पूरे होने जा रहे हैं। अब पार्टी के पास क्या कमी है? कमी तो अच्छी लीडरशिप की भी है, जिसके वजह से दूसरे दल लगातार जीतते आ रहे हैं, भाजपा मजबूत बनती जा रही है, जबकि कांग्रेस को भाजपा के मुकाबले सबसे बड़ा विपक्ष माना जाता है। अब आगे इस बार तो हालांकि तीन राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई, एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीती, लेकिन आगे है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी को लड़ना है, पार्टी कोशिश करेगी कि जीते भी। ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए चाहिए पैसा, पैसा यानी कि फंड। फंड कांग्रेस पार्टी के पास है नहीं। जी हां, इस साल 2022 के आंकड़ों की बात करें तो भाजपा के पास असेट की बात करें तो 6,046 करोड़ के लगभग रुपए का फंड, एक एसेट भाजपा के पास है, जबकि कांग्रेस के पास क्या, 804 करोड़ रुपए के असेट का एक फंड के आसपास। अब कांग्रेस पार्टी को चाहिए पैसा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने एक नया तरीका निकाला। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया कि हम एक नया अभियान, क्राउड फंडिंग अभियान देश में शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा डोनेट फॉर देश, यानी कि देश के लिए दान दीजिए। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुकी है देश का नाम सामने रखकर। अब कांग्रेस पार्टी ने डोनेट फॉर देश एक क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया है। यह अभियान आज शुरू हुआ है 18 दिसंबर के दिन, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, ये तमाम लोग, तमाम नेता वहां पर मौजूद थे और इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के शुरुआत में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपील की है कि पार्टी को आप फंड दीजिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए फंड दीजिए, जिसमें आप कांग्रेस पार्टी के 138 साल पूरे हो रहे हैं तो उसे मद्देनजर रखते हुए 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए, इस आंकड़े में ही हमें फंड चाहिए। हमें फंड जिससे मिलेगा हम सिर्फ और सिर्फ उसका नाम और फोन नंबर नोट करेंगे, ये कहना है अजय माकन का। इस प्रकार से ही जानकारी यहां पर जुटाई जाएगी, ये पार्टी लगातार कहती आ रही है। अब ऐसा फंड किस तर्ज पर जुटाया जा रहा है, तो पार्टी नेता वेणुगोपाल का कहना है कि 1920-21 में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने फंड मांगा था, तिलक स्वराज फंड, उसकी तर्ज पर ही हम यहां पर भारत में लोगों से चंदा मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। फंड क्यों मांगा जा रहा है, किस तर्ज पर मांगा जा रहा है, तो पार्टी के नेता वेणुगोपाल का कहना है कि हम फंड मांग रहे हैं महात्मा गांधी के एक अभियान के तर्ज पर। जी हां, 1920 और 21 में महात्मा गांधी ने भी स्वराज, तिलक स्वराज फंड, इसकी शुरुआत की थी, जिसमें चंदा मांगा गया। हालांकि वो चंदा देश की आजादी के लिए उपयोग के लिए मांगा गया, यहां कांग्रेस पार्टी अपने उपयोग के लिए चंदा मांग रही है कि लोकसभा चुनाव उन्हें लड़ना है, आगामी चुनाव लड़ने हैं। उनका फंडिंग का जो आंकड़ा है काफी कम है भाजपा के मुकाबले। ऐसे में वेणुगोपाल का यह कहना है कि जो तिलक स्वराज फंड है उसकी तर्ज पर ही हम यहां पर डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग की मांग जनता से कर रहे हैं। पदाधिकारियों को अलग निर्देश दिए गए हैं कि वो लोगों के बीच जाए, फंड इकट्ठा करें।
जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी इसको लेकर एक प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग राज्यों में फंड लेकर आया जाएगा। अधिकतर जिम्मेदारी इसकी युवा नेताओं पर होगी, अनुभवी नेताओं पर भी होगी कि वो प्लानिंग बनाए, लेकिन युवा नेता राज्य में निकलेंगे, देश में निकलेंगे फंड मांगने के लिए, चंदा मांगने के लिए लोगों से। हालांकि कांग्रेस पार्टी के ये 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए मांगने के पीछे और क्या कारण हो सकते हैं? क्या चंदा मांगना ऐसे जनता से ठीक है? क्योंकि कई जो राजनीतिक दल हैं वो देश में चंदा मांगकर चुनाव लड़ते भी हैं, कई बार ऐसे लोग जीते भी हैं जो क्राउड फंडिंग से चुनाव लड़ते हैं, पैसा जुटाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में अब क्या कांग्रेस ये सही कर रही है? क्या है इस पर आपका नजरिया? हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए राजस्थान चौक।